हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। ये देखिए, ये पोर्चुलाका के बहुत ही ब्यूटीफुल मेरे लास्ट ईयर के प्लांट्स हैं। ये इन्हीं की कटिंग मैंने रखी थी। ये सारे कलर्स हैं। ये देखिए, ये मेरा बैकयार्ड है। यहाँ पर मैंने कुछ प्लांट्स, ये जितने भी प्लांट्स थे सबको यहाँ पर सेव करके रखा था। ये जगह काफ़ी कूल रहती है और सर्दियों में इसमें फ्रॉस्ट भी नहीं पड़ता क्योंकि ऊपर पेड़ है। अब ये कटिंग कट रही है और कटिंग को ये पॉटिंग सॉइल में लगा देंगे। पॉटिंग सॉइल में क्या लिया है, इसमें मैंने लिया है 1/3 कोकोपीट लिया है, 1/3 गार्डन सॉइल लिया है और 1/3 वर्मी कंपोस्ट लिया है। ये खूब फ्लावरिंग करता है ये प्लांट, तो इसके लिए 1/3 वर्मी कंपोस्ट ठीक रहता है और थोड़ा फंगीसाइड भी डाल दिया है। इस बार मैंने इसमें काफ़ी सारी नीम खली डाली है क्योंकि पिछली बार मेरे प्लांट्स में कुछ मिलीबग्स लग गए थे। बहुत मुश्किल से मैंने इनको वॉश कर करके ठीक किया था और खूब फ्लावरिंग हुई थी उसके बाद में। तो अगर आपको खूब सारी फ्लावरिंग चाहिए तो इसमें वर्मी कंपोस्ट या लीफ मोल्ड, तीनों में से कोई भी चीज़ अच्छे से डाल दीजिए। ये पूरे में कटिंग लग चुकी है, आज ताज़ी ताज़ी लगी है। इसमें देखिए कोई रूटिंग हार्मोन नहीं, कुछ भी नहीं डाला है, अपने आप रूटिंग हो जाएगी। अब इसको पानी डाल के एक दो दिन थोड़ा पेड़ों के नीचे या ठंडक वाली जगह में रहेगा। एक दो दिन क्यों, हफ्ता मैं रख लूँगी, फिर उसके बाद में हम लोग इसको सन में ले जाएंगे। ये सन लविंग प्लांट है, फ्लावर्स होते हैं खूब सारे समर्स में। ये देखिए, ये पोर्चुलाका पर्सलिन का मैं ना अपडेट दिखा रही हूँ। ये काफ़ी बड़े हो गए हैं, इनमें बड्स आ गई हैं और ये फ्लावरिंग शुरू होने वाली है इनमें। और मैं आपको अब बताऊंगी कि ये प्लांट में क्या प्रॉब्लम हो सकती है और मेरे में हो चुकी है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप कैसे इसकी केयर करेंगे ताकि पूरे समर्स जून जुलाई तक आपके पास खूब सारे इसके पौधे भी हों और खूब फ्लावर्स भी करेंगे। एंड दे लुक वेरी वेरी प्रिटी इन मैनी डिफरेंट कलर्स। आइए और भी दिखाती हूँ जो मैंने हैंगिंग पॉट्स में लगाए हैं। ये प्लांट हैंगिंग पॉट में बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, ये एक वाइट कलर का मैंने, खाली वाइट है ये, पूरा वाइट कलर का एक हैंगिंग बास्केट बनाई है। ये पूरी एक जो एकदम टिपिकल होता है मैजेंटा कलर, उसकी एक हैंगिंग बास्केट बनाई है। और ये मेरे ख्याल में, आई एम नॉट वेरी श्योर, एज फार एज आई नो इट इज गोइंग टू बी येलो, तो ये ऑरेंज है पूरे। देखिए, अब मैं बताती हूँ आपको कि व्हाट डू यू हैव टू लुक फॉर इन दिस प्लांट। आपको देखना पड़ेगा कि इसमें एफिड्स का या मिलीबग्स का अटैक है कि नहीं है। इसमें देखिए मिलीबग्स कैसे होते हैं, मिलीबग मैं आपको दिखाती हूँ। अगर ये थोड़ा भी आपको व्हाइट व्हाइट नजर आए ना, जैसे ये दिख रहा है आपको, ये वाला हल्का सा व्हाइट डॉट भी दिखे ना, तो आपके एकदम अलर्ट हो जाना चाहिए आपको। ये देखिए, ये मिलीबग मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ऐसा होता है मिलीबग, एक ही कीड़ा है जो इसका सैप लेता है और इसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। और भी दिखाती हूँ आपको, ये देखिए बेस्ट तरीका है, अगर आपको दिखे आप इसको वहीं पर स्निप कर दीजिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, आई होप आप देख सकते हो, ये मिली बग है। ये एक बग होता है और ये इस प्लांट का सैप लेता रहता है। इसके लीव्स में भी देखिए व्हाइट व्हाइट दिख रहा होगा आपको। ये जब अटैक करता है तो ये पूरा कवर कर देता है। और इसको क्या करना होता है, इसका एक सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। इसका सॉल्यूशन क्या है, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक वाटर, पानी लीजिए, सिंपल वाटर। पानी में थोड़ा लिक्विड साबुन डिजॉल्व करिए, लिक्विड सोप जो किचन में यूज होता है, और उससे आप इसको पूरे प्लांट्स में जो भी वाइट दिखे उसको इससे ऐसे करके वॉश करिए।
इसका ये सोप सॉल्यूशन किस लिए लेते हैं? सोप सॉल्यूशन इसलिए लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा इसका वैक्सी सरफेस होता है तो वो सोप से निकल जाता है। हाथ से भी इसको हेल्प से इसको ऐसे वॉश आउट करना है। और ज़्यादातर जब भी इन्फेस्टेशन होती है कि ये टिप्स पे होती है। टिप्स पे क्यों होती है? टिप्स पे इसलिए होती है क्योंकि टिप बहुत टेंडर होते हैं और वो प्लांट अटैक करके अटैक क्यों करता है? वो खाना अपना इट इज़ लुकिंग फॉर इट्स फूड, तो खाना लेने के लिए वो सबसे ईजिएस्ट तरीका होता है, सबसे टेंडर पार्ट में वो अटैक करता है, वहीं से वो सैप लेता रहता है और उसको स्पॉइल कर देता है। जब टिप खराब हो गई तो ये प्लांट वैसे ही खराब हो जाएगा। और एक और चीज़ है, अगर हेल्दी प्लांट होता है तो अटैक्स कम होते हैं। हेल्दी बॉडी वैसे ही जैसे हम लोग हैं, अगर हम लोग बहुत हेल्दी रहेंगे वी कैन फाइट एनी काइंड ऑफ अटैक। तो ये इसके प्लांट में भी ऐसे ही है, तो इसको ऐसे सिंपल वॉश आउट करना है। और एक बार से नहीं होगा ये, आपको इसको रेगुलर, अगर अभी तो मेरा एक दो ही हुए थे तो सबसे बेस्ट होता है शुरू में, तो जैसे ये अगर ये आपको लग रहा है ये अटैक है, स्निप इट ऑफ फ्रॉम हियर, काट दो इसको और फेंक दो, और अपने कॉम्पोस्ट में एकदम नहीं डालना इसको, नहीं तो ये मिलीबग का बहुत जबरदस्त अटैक हो जाता है सब जगह। तो ये आपको काम करना है, चेक करते रहना है कि आपके पोर्चुलका में कोई अटैक्स तो नहीं हो रहे। अब मैं इसको दो तीन दिन चार दिन तक इसको हर टिप को ऐसे वॉश करूंगी, जहां पर भी मेरे को लगेगा कि इसमें मिलीबग है। अच्छा, एक और चीज है, जब मिलीबग होगी तो आप चेक करिएगा, इसमें जरूर छोटी छोटी एंट्स भी होंगी। एंट क्या करती है? एंट आती है मिलीबग्स को खाने, तो क्या होता है उसकी स्मेल से वो आ जाती है और क्या करती है, दे हेल्प इन स्प्रेडिंग मिलीबग्स। कैसे हेल्प करेंगी? अपने पैरों से जब चल के आएंगी यहाँ तक, तो ये यहाँ से अपने इसके लार्वा एग सब कुछ अपने पैर में चिपका के ले जाएंगी, दूसरे प्लांट पे जाएंगी, वहां पर भी इसको छोड़ देंगी, तो ये पूरे में स्प्रेड हो जाएगा। तो एंट इसको स्प्रेड करने में मदद करेगी, तो एंट को भी हटाना है। तो एंट के लिए क्या करना है? एंट रिमूव करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, सिनेमन होता है, दालचीनी के पाउडर को आप क्या करो, मैंने बना रखा है दालचीनी के, ये देखिए, ये मैंने सिंपल सिनेमन लिया है और इसको ग्राइंड करके पानी में डिप करके इसको छान के इसमें डाल दिया है। अब ये इसको मैंने वही वाले उसको स्प्रे बॉटल का स्प्रे ले लेती हूँ और अब इसको स्प्रे करना है पूरा। अगर एंट्स होंगी इसमें तो एंट्स निकल जाएंगी, चली जाएंगी इसमें से। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है एंट्स को भगाने का। आपके पौधों में कहीं पर भी आपको एंट हिल नजर आता है या मिट्टी नजर आती है जो आपको लगता है एंट लोग निकालती हैं अपने घर बनाते समय, छोटी छोटी मिट्टी निकालती हैं एकदम, तो अगर आपको दिखती हैं एंट्स तो आप ये सिनेमन का पाउडर का पानी स्प्रे करिए। ये पौधों को भी नुकसान नहीं करेगा, ये ऑर्गेनिक है, टोटली ऑर्गेनिक। तो ये पूरे पौधे में स्प्रे कर रही हूँ मैं कि अगर बाई चांस एंट होंगी तो वो चली जाएंगी और पौधों को भी कुछ नहीं होगा। तो आई होप आप ये पोर्चुलका का पौधा बहुत अच्छे से केयर करेंगे और समर्स में इसमें से खूब सारे फ्लावर्स लेंगे। ये देखिए मेरे को एक एंट दिख गई है, देखिए ये देखिए ये देखिए, अगर मिलीबग है तो एंट्स जरूर होती हैं। ये देखिए यहाँ कितनी सारी हैं। तो अभी मैं सबको स्प्रे करूंगी। थैंक यू।